लेक्चर स्टेटिस्टिक पार्ट टू चैप्टर नंबर 5। कुछ नया नहीं है, जिसके पहले के दो लेक्चरों में सीखा हम लोगों ने वही टॉपिक है। पहले देखा हमने खर्च कॉस्ट, तो वहां हम लिखते थे DC/DX। फिर देखा आमदनी, एक दाखला करा था एक्सरसाइज से, दो दाखले आपको करने, 9 नंबर और 10 नंबर। सेम प्रोसेस है, आमदनी रेवेन्यू तो DR/DX। अब आता है प्रॉफिट, नफा नो विदर इजी है, स्टेप वही सेंस ऑफ सेक्शन ई सब नंबर 11 क्या दिया है, प्रॉफिट फंक्शन, चोपड़ी लेके बैठना, प्रॉफिट फंक्शन नफा नो विदर यानी डायरेक्टली आपको पी दे दिया है। क्या दे दिया है, प्रॉफिट फंक्शन डायरेक्ट दे दिया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है, 40x + 10,000 - 0.1x². फाइंड आउट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, महत्तम नफो शोधो, महत्तम मैक्सिमाइज, सीधी बात है, खर्चा हम कम करने की बात करेंगे, नफा प्रॉफिट मैक्सिमम करेंगे, तो नफा नो विधेय बोलाओ तो पी आएगा, कोई स्टेप नहीं। स्टेप नंबर 1 DP/DX क्या आया, 40, इसका तो हो जाएगा ही x है तो 0.1 × 2 0.2x³ 2 था, 1 हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, DP/DX = 0, जो करा था वहां खर्च था कॉस्ट था तो DC/DX लिखते थे, आमदनी रेवेन्यू था तो DR/DX, प्रॉफिट नफा है तो DP/DX। अब क्या करेंगे, देखते जाओ, कुछ नहीं है, सेम टॉपिक है, खाली सम पहचानना है, = 0 या -0.2 इधर आ गया, 40 = 0.2x, तो आपको x की ऑटोमेटिक वैल्यू मिल गई, 40 / 0.2 200। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, D²P/DX², ये किस पे से निकलेगा, DP/DX पे से, ये तो कुछ आएगा ही नहीं, क्या -0.2 क्योंकि एक x था, DP करेंगे चले गया, क्लियर। अब देखो सिंपल, अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, महत्तम मैक्सिमाइजेशन पूछा है तो लिख देंगे कि जब x बराबर 200 होगा और -0.2 जीरो से छोटा है, देखो माइनस में आया ना, -0.2 जीरो से छोटा है, तो यहां पे आपको मैक्सिमाइजेशन महत्तम नफा मिलेगा। अब सवाल एक्स्ट्रा भी है अंदर, बुक में चेक करो, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, गुजराती मीडियम, महत्तम नफो पण शोधो, तो कुछ नहीं करने का, आगे सिखाया है, ओरिजिनल जो सवाल है 40x + 10,000 - 0.x², ओरिजिनल सवाल में एक्स की कीमत डाल दो, क्लियर है, तो 40 × 200 + 10,000 - 0.1 200 का² तो ये कितना आता है, 40 × 20 8,000 + 10,000 200 का² आएगा 40,000। 40,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4,000, तो कॉमन है 18 - 4 = 14,000, ये आपका मैक्सिमाइज प्रॉफिट हुआ। सम तो यहीं तक था, कुछ नया नहीं था, वही स्टेप रिपीट करें, सेम चीज यही सेक्शन में सम नंबर 12 क्या बोलता है, द प्रॉफिट फंक्शन, इंग्लिश मीडियम, प्रॉफिट फंक्शन इज 5x - 100
माइनस 0.01 x square 0.01 एक व्यापारी नु नफानु विदे बराबर नफानु विदे यानी ये पी हो गया। फाइंड आउट मैक्सिमम प्रॉफिट महत्तम नफो मेळववा माटे केतला उत्पादक नु केतला एकमो नु उत्पादक करवु जोईए। खाली महत्तम पूछा मैक्सिमाइजेशन पूछा है। वो स्टेप डीपी डीएक्स इज इक्वल टू 5 × 5 इसका तो बुझाएगा ही नहीं माइनस 0.02 x। पहला स्टेप ओवर। सेकंड स्टेप डीपी डीएक्स इज इक्वल टू 0 मुक्ता 5 माइनस 0.02 x इज इक्वल टू 0 5 इज इक्वल टू ये वाली चीज इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी 0.02 x। ऑटोमेटिक आपको x की कीमत मिल गई 5 / 0.02 250। थर्ड स्टेप डी स्क्वेयर पी डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वेयर वो जिस पे निकलेगा डी पे डी एक्स पे ये तो आएगा ही नहीं माइनस यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो सिंपल 0.02। अब यहाँ पे ऐसा नहीं पूछेगा तो कॉमन है देख लो मैंने बताया मैक्सिमम बोला तो आंसर माइनस माइनस तो लिख देंगे कि जब x इज इक्वल टू 250 है नहीं यहाँ पे माइनस 0.020 से छोटा है माइनस 0.020 से छोटा है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट होगा महत्तम नफा होगा। सवाल पूछा कितने उत्पादक तो जब तुम 250 करोगे तो तुम्हारे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज सबसे ज्यादा होगा। क्लियर ये तुम्हारा सम हो गया। तुम बोलोगे सर ये सब में ये स्टेप करा था तो ये सब में पूछा था इसके अलावा बुक लेके बैठो पूछा था आपको कि मैक्सिमम प्रॉफिट भी ढूंढो महत्तम नफो पण शोधो यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं खाली ढूंढ के छोड़ दे। क्लियर। अब सेम चीज सेक्शन एफ इसमें पहला दूसरा तो मैंने पहले ही लेक्चर में करा दिया शुरुआती वीडियो में छिले तीन सम यही प्रॉफिट वाले हैं नफा वाले हैं। ध्यान देना सम नंबर 4 1 2 3 तो सेम है 4 और 5 मैं करा रहा हूं छठा आपको करना है क्योंकि छठा सेम 5 की कॉपी है 5 और 6 में कोई फर्क नहीं है। क्लियर। 5 चौथे में क्या बोला है इंग्लिश मीडियम कॉस्ट एटले खर्चा सी बराबर 200x प्लस 15x² अने पी इज इक्वल 1200 माइनस 10x। फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन नाम से ही खबर पड़ेगा ना प्रॉफिट फंक्शन। अब गुजराती मीडियम सवाल सुनो एक उत्पादक नो खर्च सी बराबर अने मांगनु विधेय पी बराबर आ माहिती पर थी नफानु विधेय शोधो। नफानु विधेय खतरनाक है यहाँ पे मांगनु विधेय बोले तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरे को मालूम है आर इज इक्वल टू एक्स इंटू पी बराबर है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे आर क्यों करा कि भाई हमको ये तो ढूंढना पड़ेगा ना पी तो ढूंढना पड़ेगा ना नफा तो ढूंढना पड़ेगा तो एक्स की जगह एक्स रखा पी की जगह 1200 माइनस 10x रखा तो आर कितना मिला 1200x माइनस 10x। अब मैंने यही चैप्टर में 2 लेक्चर पहले बताया था कि भाई नफा कैसे ढूंढे तो पी इज इक्वल टू आर माइनस सी ये तुम्हारे नफा है उसके बाद जो स्टेप करते वो करने आएंगे तो आर ऑलरेडी हमने ढूंढा है 1200x माइनस 10x² माइनस अब सी कितना है तो ऑलरेडी दिया हुआ है 200x प्लस 15x² सी दिया हुआ तो मैं ब्रैकेट खोलूंगा 1200x माइनस 10x² माइनस 200x प्लस माइनस 15x।
तब चेक करो, तुमको पी मिल गया माइनस दस माइनस पंद्रह माइनस पच्चीस एक्स स्क्वायर, 1200 माइनस 200 1000 एक्स पी मिल गया। अब वो जो स्टेप रिपीट करते हैं, रिपीट करो, सबसे पहला स्टेप बीपी डीएक्स, बीपी डीएक्स तो 25 गुणिया बे माइनस 50 एक्स माइनस 1000 क्लियर। अभी क्या करेंगे माइनस 50 तो अपना आ गया। अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, तो सेकंड स्टेप जो हमारा था वही डीपी डीएक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो माइनस 50 एक्स माइनस 1000 इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो कॉमन है माइनस 1000 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू 1000, तो एक्स इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 50, 1000 डिवाइड बाय 50 तो आपकी वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू 20, कितनी आएगी माइनस 20 क्लियर। 100 माइनस टू 1000 एक्स माइनस 25 एक्स तो 1000 आएगा, मेरी गलती हो गई बेटा, आई अपोलोजाइज। 1200 माइनस 200 1000 प्लस माइनस मतलब साइन बढ़ेगी, माय मिस्टेक, ते माइनस 1000 इस साइड आ जाएगा प्लस 1000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस गया 1000 डिवाइड बाय 50 तो एक्स इज इक्वल टू 20। याद रखना एक्स कभी माइनस में नहीं आता है, मेरी गलती हो गई लिखने में, इस प्रकार है क्लियर, ये मेरी गलती। देखो 1200 माइनस 200 प्लस माइनस मगर साइन बढ़ेगी। अब उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, डी स्क्वेयर पी डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वेयर, तो किस पे से निकालेंगे, डी पी डी एक्स से निकालेंगे, तो कितना आया माइनस 50। अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लिख देंगे कि यहाँ पे माइनस 50 जीरो से छोटा है और जब एक्स इज इक्वल टू 20 होगा तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, नफा होगा क्लियर। ये थोड़ा टेंशन वाला दाखला था, इम्पोर्टेंट था। जब लास्ट दाखला जो दाखला नंबर 5 है, 6 नंबर का आपको करना है क्या दिया है इंग्लिश मीडियम कि एक रेफ्रिजरेटर को रेफ्रिजरेटर बेचने की बेचान कीमत सेलिंग कीमत 10000 रुपये और टोटल खर्चा दे दिया है, टोटल खर्चा है वरना टोटल को स्कूल खर्च टोटल खर्चा 0.1x² प्लस 9000x प्लस 100 तो ये माहिती पे से इंफॉर्मेशन पे से मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढो, महत्तम नफो मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखो अब नफा है तो कायदे से कहां से चालू करना पड़ेगा, पी से ही चालू करना पड़ेगा। अब पी का मतलब क्या होता है, टोटल आवक में से खर्चा माइनस कर दो ये लिया। अब यहाँ पे तुम्हारे पास खर्चा तो अवेलेबल है सर, आवक नहीं, तो पहली रेटी वापिस पढ़ो कि कंपनी रेफ्रिजरेटर बनाने का टोटल सेलिंग कॉस्ट बेचान कीमत 10000 है। तो मैं लिखूंगा कि रेफ्रिजरेटर को मैंने डाल दिया एक्स, रेफ्रिजरेटर को डाल दिया एक्स, तो रेफ्रिजरेटर की बेचान कीमत कितनी हो जाएगी 10000x। ओके दिया हुआ है, सवाल वापिस पढ़ता हूं कि एक रेफ्रिजरेटर बनाती कंपनी ने रेफ्रिजरेटर की कीमत 10000 रखे थे, तो रेफ्रिजरेटर को एक्स बोला तो रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी हो गई 10000x। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया है, आर दे दिया है कि 10000 रुपये कीमत है। तो कुछ नहीं करेंगे, आर के बदले लिख दिया 10000x माइनस सी कितना है 0.x²
प्लस 9000x प्लस 100। अब सीधी बात है, माइनस वाली चीज खुलेगी, 10000x माइनस 0.8² माइनस 9000x माइनस 100 माइनस 100। आपको p मिल गया, क्या मिला, 10000 माइनस 9000, 1000x माइनस 0.8² माइनस 100। अब कुछ नया नहीं है, वही चार स्टेप कॉमन करते जाओ। सबसे पहला स्टेप dp dx 1000 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 0.2x। बस यह स्टेप वन। स्टेप टू dp dx इज इक्वल टू, मैंने क्या एज्यूम कर लिया, डाल लिया 0 1000 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 0.2x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1000 डिवाइड बाय 0.2x तो कितना आता है तुम्हारा, x इज इक्वल टू 5000। उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, डी स्क्वेयर पी डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वेयर, इसमें से ही निकालो, ये तो कुछ आएगा ही, खाली क्या है माइनस 0.2, अगेन आगे करना ही है, इतना ही पूछा है, तो सिंपल लिख देंगे यहाँ पे तुम्हारा जवाब माइनस 0.2, 0 से छोटा है, एक्स इज इक्वल टू 5000 है, तो ये जगह पे आपको मैक्सिमम महत्तम नफा होगा। क्लियर, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर 5 कंप्लीटली टोटल सिस्टमेटिकली कवर होता है। थैंक यू।